खरगोन की नगर पालिका में बैठक के दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा करते हुए नगर पालिका CMO और अध्यक्ष पर मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। खरगोन नगर पालिका में 2 वर्ष से साधारण बैठक नहीं लेने और मनमाने तरीके से निर्माणों को करने से नाराज महिला पार्षदों ने उपाध्यक्ष को जमकर लताड़ भी लगाई। महिला पार्षदों का कहना है कि निकाय के कई निर्माण काम बिना परिषद की जानकारी के हो रहे हैं तो शहर की सड़क में गड्ढों की भरमार है। 20 लाख की मुरूम कहां किस वार्ड में डाली यह तक किसी पार्षद को नहीं पता। गड्ढों से परेशान लोग विवाद करते हैं किसे जवाब दे, टेंडर नियम विरुद्ध किए जा रहे हैं, जिम्मेदार बैठकों में नहीं आ रहे, किससे सवाल जवाब करें। देर तक चले हंगामे के बाद बैठक छोड़कर सभी बाहर निकल गए। पार्षदों ने मीडिया से अपनी बात कहते हुए CMO और अध्यक्ष पर आरोप भी मढ़े। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुद्दे क्या थे असल में, जो बैठक जो संबंधित अधिकारी हो, जिन लोगों को जानकारी हो, वो लोग मौजूद नहीं थे। इसके अलावा वार्ड की समस्या है, वार्डों को कोई विषय नहीं रखे गए थे। ये लगभग 2 साल के बाद अब साधारण सम्मेलन रखा गया। अभी साधारण सम्मेलन अब रखा गया है तो इस पर हर पार्षद ये चाहता था कि हमारे वार्ड का एक एक काम तो हो। वार्ड के अंदर वार्ड परिस्थिति बहुत ख़राब है, सभी वार्डों की परिस्थिति खराब है। मतलब अमृत जल योजना, सीवर लाइन, इनकी वजह से खुदा हुआ है। अब 3-4 साल होगा इस चीज़ को देखते हुए कि चलो सीवर लाइन हो रही है। तो आज साल भर में हो जाएगी, 1.5 साल में हो जाएगी। आज 3-3.5 साल हो गए, उसी परिस्थिति में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जनता बहुत परेशान हो गई, सबकी अपनी अपनी समस्याएं थी। अब सबकी अपनी अपनी समस्या थी जिसकी वजह से पार्षदों ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कि भाई जब सभी जिम्मेदार लोग यहां पर रहेंगे उस वक्त मीटिंग रखी जाए, जो हर चीज़ का जवाब दे सकें, हर विषय पर चर्चा कर सकें। मेरे वार्ड में जो कुंदा नगर में रोड मंजूर है और उसके बावजूद भी CMO साहब उसे बनने नहीं दे रहे हैं। वैष्णवी कॉलोनी की नालियाँ हैं, सुदामा नगर की नालियाँ हैं जो विवादित है, उसके कारण कि लोग हमसे विवाद करते हैं नाली बनवाओ। बाकी के सब पूरे शहर में नगर पालिका की नाली बनने की वहाँ भी बननी चाहिए तो विवाद खत्म हो जाएगा सुदामा नगर में। लोग तो आप पे विश्वास करते हैं, आज मुझे फिर वो वार्ड के अंदर जाने में तकलीफ होती है। वैष्णवी की रोड भी नहीं है, नाली भी नहीं है। जलवर्धन की नाली जो डाली है उन्होंने रोड लाइन, वो भी खुद ही पड़ी है, उसको भी रिपेयरिंग नहीं करते। वो कीचड़ ही कीचड़ है सर। और माने जो भी काम अभी तक हुआ है कम से कम 1% 1.5% काम हुआ, उसके अलावा अभी तक कोई काम नहीं होता। आओ तो मैंने मुरूम के लिए जो कीचड़ हो जाती, गड्ढे हो जाते, उसके लिए मुरूम के लिए भी मैंने 4 आवेदन अपने लेटर पेड पर लिख के नहीं ये बता रहा 22 लाख की मुरूम डाली है। नहीं सर, तो मैंने जो लेटर पेड लगाए तो वो डालने वाला कहता CMO साहब बोले तब मैं डालूंगा। क्या नाम है आपका? क्या गलती है? मेरा नाम नंदा चौर, वार्ड 29 से। पार्षद होने के बावजूद आप लोगों में नाराजगी कैसे गई, क्या कारण है? कारण ये है कि पिछली बार भी इन्होंने पहली बैठक रखी थी सारण सभा, वहाँ उस दिन भी CMO साहब नहीं आए और CMO अध्यक्ष महोदय ले रहे थे। तो हमारा ये था कि ये हमारे कार्यकाल का आखिरी ये है सम्मेलन है, तो उनमें CMO साहब ने भी होना चाहिए, क्योंकि पार्षदों की ये उम्मीद रहती है कि कोई भी काम हो तो काम नहीं होते तो कम से कम रूबरू बात तो करें उनसे। लेकिन आज भी CMO साहब नहीं आए, इसलिए ये बैठक स्थगित कर दी। क्या समस्या क्या है वार्डों में? समस्या है बहुत कुछ है, 33 वार्डों में समस्या है बहुत है। और इन्होंने अभी 3 साल से बिल्कुल भी वार्डों को नहीं देखा। सीवरेज की योजना चल रही तो उसके लिए उखड़ गई है सड़कें, तो नालियां नहीं बन रही भैया, वो जब पूरा काम हो जाएगा फिर नालियां बनेगी। तो पार्षद कब तक जनता से रूबरू होके उनसे बात करे और वो समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे जनता? काम तो होते हैं पर बहुत धीमी गति से होते हैं। अभी तो फिलहाल जो समस्या है बारिश की वजह से जो गड्ढे हो रहे कॉलोनी में, उसके लिए हमने धरना भी दिया था पर वो बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं दिया गया। कॉलोनी में वो लोग आए नहीं और कुछ देखा नहीं, बस मुरुम डालते हैं उसको फैलाते भी नहीं बराबर से। कीचड़ वैसा कि वैसा हो रहा है, गिर रहे हैं लोग बराबर, किसी के हाथ टूट रहे, पैर टूट रहे हैं। अभी भी मेरी कॉलोनी में दो लोग पैर टूट गया तो वो भी बड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना।